शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दिव्यांश उठ, दिव्यांश 9 बज गए, अभी तक सो रहा है। दिव्यांश उठ, क्या दीदी, कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। जिसके तू सपने देख रहा है ना, वो आ रही है आज। क्या शिखा रही है? हाँ, उसको यूनिवर्सिटी में कुछ काम, तो अकेले नहीं जाएगी, तुझे साथ लेकर ही जाएगी। तो जल्दी से उठ, चाय पी ले और रेडी हो जा। ये सही मौका है, आज मैं शिखा के साथ अपना सपना पूरा करके रहूंगा। राशि, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे अपना टिफिन तो लेते जाइए। रहने दे यार, आज ऑफिस से जल्दी छूट जाऊंगा ना, तो आकर खाऊंगा। अच्छा ठीक है, शाम को हम मार्केट चलेंगे, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। ठीक है। जीजू, मुझे आपकी कार चाहिए। क्यों? वो इंटरव्यू के लिए जाना है ना। लास्ट टाइम भी यही बोलकर लेकर गया था ना, और अपने दोस्तों के साथ जाकर पार्टी कर रहा था। देखो आज फिर से झूठ बोल रहा है, कोई कारोबार नहीं मिलने वाली। चीजू दे दो ना प्लीज। कब बड़ा होगा तू दिव्यांश, तेरी एज के लड़के लाइफ में सेटल हो चुके हैं, तो तू ये बचकानी हरकतें कर रहा है। कल को तेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, कैसे उठाएगा उनकी जिम्मेदारी? पता नहीं उस शिखा ने क्या देखा कि तू जैसे निकम्मे के साथ शादी करने के लिए रेडी हो गई। दीदी देखो ना, जीजू डांट रहे हैं मुझे। हाँ हाँ, जिंदगी भर बहन के पल्लू से बंधे रहना। बस भी करो अब, अगर गाड़ी नहीं देनी तो मत दीजिए, पर इस तरह मेरे भाई को जलील मत करो। राशि, मैं इसे जलील नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे समझा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी कार नहीं देने वाला। अरे पर सुनिए, ये कार चाहिए। क्यों चाहिए तुझे कार? दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए? नहीं नहीं दीदी, वो एक्चुअली मैं शिखा के साथ घूमने का प्लान बना रहा था, इसलिए कार मांग रहा था। तो पहले क्यों नहीं बताया, और झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अब जा बाइक पे ही घुमाना उसे। दीदी ये रिया क्यों कॉल कर रही है? हेलो रिया, कैसे याद आई? राशि मेरा तलाक हो गया है, मैं अभी कोर्ट से आई हूँ। What? तलाक? अरे अभी एक साल तो हुआ है तेरी शादी को, क्या हुआ अचानक से? राशि सुना, मैं तुझे ना मिलके सब कुछ बताऊंगी, तू घर पे ही है ना? मैं आ रही हूँ, बस आ रही हूँ अब। हाँ पर हाय शिखा, कैसी हो? हाय दिव्यांश, मैं अच्छी हूँ। बाय द वे, तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। हाँ थैंक यू। दीदी कहाँ है? दीदी तो पड़ोस वाली आंटी के आ गई है, आती होगी, तुम बैठो ना। नहीं यूनिवर्सिटी जाना है ना, चलो ना चलते हैं। ठीक है लेकिन दीदी आ जाए फिर चलते हैं। आप एक काम करते हैं, रूम में चलते हैं। वहाँ क्यों, यहीं बैठते हैं ना। शिखा तुम ना एकदम भोली हो, हम ना रूम में बैठ कर पर्सनल बातें करेंगे, तुम्हें मैं अपने सपने के बारे में बताऊंगा जो हर रोज मैं देखता हूँ। ऐसा सपना? हमारी सुहागरात का सपना। मैं ना ऐसे घूंघट उठाता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे करीब आता हूँ, हम दोनों प्यार करते हैं। वंश हटो, ये क्या है? शिखा मुझे प्यार करना है। तुम्हें पता है ना मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि हम दोनों के बीच में शादी के पहले कुछ नहीं होगा। शिखा। अरे शिखा तू कब आई? हाँ दीदी अभी अभी आई, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, तू बता घर पर सब ठीक? मम्मी पापा? एकदम ठीक।
अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं एक्चुअली मुझे यूनिवर्सिटी जाना है तो चाय कभी बाद में पी लूंगी। चले दिव्यांश। अरे पर कुछ खाए पिए भी ना। दीदी इतनी फॉर्मेलिटी क्यों, अब तो आना जाना लगा ही होगा। चाय अब आऊंगी तो पक्का पीऊंगी। ठीक है। बाय दिव्यांश। ये ले रख ले, शिखा को शॉपिंग करवा ले। थैंक यू दीदी। चल जा। दिव्यांश का है? अरे वो शिखा आई थी, उसे यूनिवर्सिटी में कुछ काम था तो उसी के साथ गया। बेचारी शिखा, शादी के बाद उसका क्या होगा? दिव्यांश से तो कुछ उम्मीद नहीं है कि वो कुछ करेगा। फिर शुरू हो गए तुम। सुबह काम सुनाया था उसे, पर इतना बुरा भी नहीं है मेरा भाई जितने ताने तुम मारते रहते हो। और भूलो मत, माँ ने मरते समय उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंपी थी। हाँ तो उस जिम्मेदारी को मैंने अच्छे से निभाया है राशि। देखो राशि, मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, ये बचपना छोड़ दे। ये प्रॉपर्टी जमीन जायदाद, कल को हम यहाँ नहीं रहेंगे तो वो कैसे संभालेगा ये सब। इसलिए तो दिव्यांश की शादी मैं शिखा से करवा रही हूँ। हमारा दिव्यांश बहुत भोला भाला है, पर शिखा वो दुनियादारी समझती है, वो सब संभाल लेगी। देखो राशि, शिखा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसकी फैमिली को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक नंबर के लालची हैं वो लोग। और शिखा की शादी दिव्यांश से वो इस प्रॉपर्टी के लिए करवा रहे हैं। अरे शिखा पसंद करती है दिव्यांश को, वो उससे प्यार करती है। एक बार वो बहू बनकर इस घर में आ जाए, ये घर बार और दिव्यांश को उसके हाथों में सौंप कर हम अपने घर चले जाएंगे। देखो चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन सब अच्छे से हो जाए। तुम मार्केट जाने वाले थे ना, क्या हुआ? अब नहीं जा रही। क्यों? वो रिया है ना, मेरी दोस्त कॉलेज वाली। वो डॉक्टर? हाँ, उसका तलाक हो गया है, बहुत दुखी है तो घर आ रही है। लगता है दिव्यांश आ गया। अरे रिया, राशि कैसे हो? बस ठीक। ये रिया बस रोना बंद करो, जो होना था वो हो गया, अब कैसा रोना। आओ अंदर आओ। हेलो रिया, बैठो। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम्हारे तलाक के बारे में पता चला, बहुत बुरा लगा, लेकिन शादी के एक साल के अंदर तलाक? एक्चुअली रोहित मुझ पे शक करता था और उसने तो अब हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था मुझ पे, बस इसलिए मैंने उसे तलाक दे दिया। बहुत अच्छा किया तुमने रिया, बात जब मारपीट पे आ जाए तो तलाक देना ही अच्छा रहता है। एक्चुअली ना मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ राशि, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो मैं यहाँ एक दिन के लिए रुक जाऊँ प्लीज। तुम लोगों के साथ रहूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ पर हमें क्या प्रॉब्लम होगी? तुम्हारा अपना घर है, जब तक दिल कहे तब तक रुको, ठीक है? मैं चेंज करके आता हूँ। रिया तो क्या लेगी, चाय या कॉफी? राशि राशि मेरे पास आके बैठना प्लीज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, चाय कॉफी तू आना प्लीज। तुझसे ना बात करके ना मेरा मन बहुत हल्का होता है। हाय रिया। हाय दिव्यांश, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम चेंज कर लो, मैं चाय बना लूँ, तू भी फ्रेश हो जा, चल। हाँ हाँ शिखा, खाना खा लिया तुमने? हाँ बाबा, मैंने खाना खा लिया है, तुमने खाया? हाँ मैंने भी खा लिया। अब शिखा तुम यहाँ क्यों नहीं रुकती हो?
अगर तुम यहाँ रुकती हम लोग ढेर सारी बातें करते। हाँ दिव्यांश, अब 6 महीने की तो बात है, फिर मैं हमेशा के लिए वहां आ जाऊंगी, फिर जी भर के बातें होंगी हम दोनों के बीच में, ठीक है? अच्छा अब मुझे बहुत नींद आई है, मैं फोन काटती हूँ, बाय। ओके बाय। अब शिखा, आई लव यू। हाँ आई लव यू टू, बाय बाय। किससे बात कर रहे थे? गर्लफ्रेंड? नहीं, फियांसे थी मेरी। शिखा, 6 महीने बाद हम दोनों की शादी है। अरे वाह, तुम तो बड़े हो गए दिव्यांश। हाँ, और बहुत जल्द मेरी जॉब भी लगने वाली है। तुम्हारे तलाक के बारे में सुना, बुरा लगा। तुम्हें बुरा लगा? मुझे नहीं लगा। रोहित मेरा हस्बैंड, मुझे किसी भी दोस्त से बात नहीं करने देता था, कहीं भी आने जाने नहीं देता था, बात बात पे शक करना, इसलिए मैंने उसे तलाक दे दिया। ये भी ठीक है, शादी के बाद तुमने भी मुझसे बात नहीं की। शादी से पहले जब दीदी से मिलने आती थी, लोग कितनी मस्ती करते थे। अच्छा जी, मैंने बात करना छोड़ दिया कि तुमने बात करना छोड़ दिया? तुम भी तो बात कर सकते थे ना। दिव्यांश, पता है मैं कितना अकेला फील करती हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया, वैशी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। यहाँ क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं, ऐसे मैं और दिव्यांश बातें कर रहे थे। चल अब सोएगी भी या बातें ही करती रहेगी? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आई लव यू शिखा, आई लव यू। I love you, Shikha. I love you, Shikha. Sorry, woman. Sorry? मुझे अच्छा लग रहा था। क्या हुआ, भूल गए तुम पुराने दिन? हम दोनों ऐसी मस्ती क्या करते थे? तुम बच्ची थी। तो क्या हुआ? ऐसे देखा जाए तो तुम शिखा को बहुत पसंद करते हो ना, उसे पाने के लिए बहुत तड़प रहे हो। तुम मेरे साथ वो सारे अरमान पूरे कर सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। राशि अब मैं चलती हूँ, अकेली हूँ तो अब आना जाना लगा रहेगा। ठीक, ध्यान रखना अपना। राशि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ जीजू, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो मुझे मेरे घर तक ही ड्रॉप कर दे। सॉरी रिया, आज मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ, तो डायरेक्टली ऑफिस ही जाऊँगा। तुम एक काम करो ना, दिव्यांश के साथ चली जाओ, दिव्यांश के पास बाइक है, वो तुम्हें घर छोड़ देगा, और वैसे भी पूरा दिन घर पर खाली ही पड़ा रहता है, किसी काम तो आएगा। क्यों दिव्यांश, जाओगे ना रिया को छोड़ने? हाँ जी जू, छोड़ दूंगा। ठीक है राशि, मैं चलता हूँ। दिव्यांश चले? बाय राशि। हेलो, एक्चुअली क्या है ना, पेशेंट आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, टाइम ही नहीं मिलता मुझे। अब देखती हूँ मैं टाइम निकालूंगी। अच्छा वैसे एक बात बताओ, क्या लोगे?
चाय या कॉफी? हाँ अब कुछ नहीं, चलता हूँ मैं। अब दिव्यांश, इतना अच्छा मौका मिला है तो हाथ से मत जाने दो। कहाँ खोए हो इतनी गहरी सोच में? बस ऐसे ही सोच रहा था कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। बेचारी रिया, अभी उसकी शादी को एक साल भी नहीं हुआ था और उसके पति ने उस पर इतने सारे अत्याचार किए। वो तो रिया पढ़ी लिखी थी इसलिए उसने सही समय पर सही डिसीजन लिया और तलाक दे दिया, वरना कोई सीधी सादी लड़की होती ना तो जिंदगी भर उस पर जुल्म करता रहता उसका पति। वो तो आप रिया को जानते नहीं ना इसलिए ऐसा बोल रहे हो, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कोई दूध की धुली हुई नहीं है। कॉलेज में भी बहुत लड़कों के साथ उसका अफेयर था और हो सकता है अब भी हो और शायद इसीलिए उसका तलाक हुआ हो। मैं पहले भी उससे इतना मतलब नहीं रखती थी पर ये तो घर आ गई तो थोड़ा अपनापन दिखाना पड़ा। अच्छा, मैं तो उसे बहुत अच्छी लड़की समझता था। अच्छी और वो? खैर छोड़ो, ये बताओ कि दिव्यांश की जॉब का क्या हुआ? वो कानपुर वाले मामा जी से बात की तुमने? हाँ, उनका कॉल आया था, कह रहे थे कि एक्सपीरियंस ना होने की वजह से दिव्यांश को वहाँ जॉब नहीं मिल सकती, वो दूसरी कंपनी में ट्राई कर रहे पर मैंने मना कर दिया। दिव्यांश को जॉब करने की क्या जरूरत है, उसे किस चीज की कमी है? वाह, तो तुमने उसे सर पे चढ़ाया है ना? सोच कर देखो, अगर वो घर से बाहर जाएगा, जॉब करेगा तो दुनियादारी सीखेगा ना, वरना यहाँ घर में पड़े पड़े भोंदू का भोंदू रह जाएगा। मुझे दुनियादारी की कोई फिक्र नहीं, शिखा सब संभाल लेगी। उसकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, बहुत भलाई। नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, तुम्हारी याद आ रही है, जब से लौटा हूँ बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। इतना मिस कर रहे हो तो फिर आ जाओ। नहीं नहीं, अभी नहीं, कल आता हूँ। पक्का? हाँ पक्का, मैं इंतजार करूँगी। बाय। अरे शिखा, तुम अचानक से यहाँ आओ, अंदर आओ। हाँ दीदी, वो दिव्यांश। दिव्यांश तुम ठीक तो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों क्या हुआ? तो तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे, मतलब अवॉइड क्यों कर रहे मुझे, ना फोन का जवाब ना मैसेज का? क्या हुआ शिखा, तुम इतनी गुस्से में क्यों? देखो ना दीदी, ये दिव्यांश इतना बिजी है कि मुझसे बात ही नहीं करता। ये क्या बोल रही है? दीदी वो मैं जॉब के लिए टेंशन में था इसलिए बात नहीं कर पा रहा था। तुम क्या इतनी टेंशन में थे कि तुम खाना पीना भी भूल गए दिव्यांश? अरे वो सही कह रहा है, देखो कानपुर वाली जॉब भी नहीं लगी तो थोड़ा टेंशन में है, तू फिक्र मत कर, अब से ऐसा कुछ नहीं करेगा। सॉरी बोल चल। सॉरी। और तू खड़ी क्यों है, बैठ ना। नहीं दीदी, मुझे कॉलेज जाना है, कुछ पेपर लेने हैं। हाँ तो दिव्यांश तुझे छोड़ देगा ना? दीदी मैं नहीं जा सकता, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। इंटरव्यू के लिए बाद में जाना, पहले से छोड़ क्या? दीदी जाने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। पर रुक, तेरा फोन दे, तेरे जीजू को फोन करना है, मेरा बैलेंस खत्म हो गया है। ये सब क्या है? इसी वजह से तू बात नहीं कर रहा था शिखा से? दीदी वो मैं रिया से प्यार करता हूँ। चुप कर तू। जाए यहाँ से।
तुझसे मैं घर आकर बात करती हूँ। सुना नहीं तूने? जा। और तू क्यों पीछे पड़ी है मेरे भाई के? चाहती क्या है तू? मैं तुझे मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मेरे भाई से दूर रह, समझी? मैं भी देखती हूँ कैसे तू मुझे दिव्यांश से दूर करती है। तेरी बुद्धि मारी गई है क्या? जो तू इस रिया के साथ, शिखा को पता चलेगा तो कितना हंगामा करेगी वो। 6 महीने बाद तेरी शादी है और तू ये सब। प्यार नहीं करता वो, तो मैं आपके कहने पर उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया था, पर प्यार तो रिया से करता हूँ। मुझे उससे शादी नहीं करनी है, मैं शिखा से शादी नहीं करूंगा। दीदी दिव्यांश, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जबान लड़ा रहा है? राशिद क्या हुआ, तुम क्यों मार रही है इसे? अब सही कहते थे, कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है इसे, मुझसे जबान लड़ा रहा है, कह रहा है कि शिखा से शादी नहीं करेगा। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम शांत हो जाओ राशि, शांत हो जाओ। दिव्यांश तुम अंदर जाओ अपने रूम में। सॉरी दीदी। रुको, तेरा फोन दे दे मुझे, फोन दे। आज के बाद तू रिया से बात नहीं करेगा, उससे मिलने भी नहीं जाएगा। बोल ना, तू नहीं जाएगा ना? ठीक है, नहीं जाऊंगा। अब खुश? मेरी ही गलती है जो मैंने रिया को यहाँ आने दिया। चुड़ैल मेरे भाई को फंसाने के लिए आई थी। तुमने मुझे छोड़ दिया ना तो मैं मर जाऊं। देखो रिया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, हम वहाँ बात करेंगे। पक्का? मेरी कसम खाओ। ठीक है, अभी तुम जाओ। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी ये चुड़ैल। क्या बातें कर रहे थे तुम? क्या बोला उसने? दिव्यांश तू अपनी दीदी को अपना दुश्मन समझता है? मैं रिया को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बहुत चालाक है, पर तू सीधा साधा है, वो तेरा फायदा उठा रही है। मैंने पता किया है, उसके पति ने इसे तलाक दिया है, इसने उसे नहीं, क्योंकि इसके पति ने इसे अपने आशिक के साथ देख लिया था। उसके पति ने आपको बताया? नहीं, उससे बात नहीं हो पाई, पर वो शाम को कॉल करने वाला है, तब सब पता चल जाएगा। दिव्यांश तू उससे दूर रह, यही तेरे लिए सेफ है। तू एक काम कर, तू गांव चला जा 1-2 दिन के लिए, मैं तब तक सब पता कर लूंगी कि आखिर चाहती क्या है। लेकिन अगर ये अपनी जगह सही निकली तो? दिव्यांश तुझे अपनी दीदी से ज्यादा इस रिया पर भरोसा है? ठीक है, अगर ये सही निकली और ये तुझसे प्यार करती होगी तो तेरी मर्जी में आए वो कर लेना, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, पर अभी तू यहां से जा वरना वो वापस आ जाएगी। और हाँ, किसी को बोलना मत कि तू गांव में है, ठीक है? ठीक है रिद्धि, लेकिन मैं ज्यादा दिन नहीं रोकूंगा, सिर्फ 2-3 दिन। हाँ ठीक, मैं बुला लूंगी। राशि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज ऑफिस के बाद बॉस के फार्म हाउस पर पार्टी है, तो मैं रात को लेट हो सकता हूँ या हो सकता है कल सुबह भी आऊँ, तो प्लीज़ मेरा वेट मत करना। ठीक। दिव्यांश कहाँ? मुझे उससे कुछ काम है।
पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया और मेरे साथ तो वो बात भी नहीं कर रहा। चलो ठीक है, अगर तुम्हें मिले तो बोलना कि मुझे कॉल करे, मैं बता दूंगी। बाय बाय। हेलो राशि, दिव्यांश आया? नहीं, पता नहीं कहाँ गया है। और क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं उसे बोल दूंगी। उसकी जॉब की बात की थी मैंने आज ऑफिस में, सोच रहा था कि बॉस से मिलवा देता आज पार्टी में। वो आएगा तो बोल दूंगी उसे। क्या ड्रामा है ये रिया, अभी क्या अभी वीडियो डिलीट करो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राशि डिलीट तो मैं कर दूंगी, सबसे पहले तुम मेरी दिव्यांश से बात करवा, मुझे उससे बात करनी है। तू मेरे भोले भाले भाई की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है, तुझे क्या लगा था तू उससे शादी करके उसकी दौलत की मालकिन बन जाएगी? मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। दिव्यांश तक तू नहीं पहुंच पाएगी, तुझे जो करना है कर ले। राशि में दीदी तुम इस वक्त यहाँ? अब वो सब बताइए, आप ये देखिए शिखा, सी इसमें दिव्यांश की कोई गलती नहीं है, ये सब किया करा है उस वक्त। बहुत हो गया दीदी, मुझे लगा था कि आपका भाई भोला भाला है लेकिन वो तो बहुत ही नीच निकला। शादी के पहले वो ये गुल खिलाने लग गया तो शादी के बाद क्या होगा? शिखा तू बैठ, हम बात करते हैं। देख इसमें दिव्यांश की कोई गलती नहीं है, आप कितना झूठ बोलोगी अपने भाई के लिए? आप पे विश्वास किया मैंने और ये शादी के लिए हाँ बोला, लेकिन अब तो लगता है कि मैंने गलती की है। आपको पता है आपके भाई की वजह से मुझे और मेरी फैमिली ने इतनी शर्मिंदगी झेली है, जगह जगह हम लोग की थू थू हो गई है, लेकिन अब मैं आपके भाई को यूं ही जाने नहीं दूंगी। अब देखना मैं आपके उस गंवार भाई की क्या हालत बनाती हूँ। शिखा बहुत बोल लिया तूने, क्या करेगी, जान लेगी मेरे भाई की? जा जो चाहे वो कर ले, पर अभी निकल यहां से, मेरे भाई को गवार करने वाले। हेलो राशि क्या हुआ तुम्हें? दिव्यांश राशि, आप इनके पति हैं? जी सर। तो जब ये मर्डर हुआ तब आप कहाँ थे? सर कल रात मैं अपने बॉस के यहाँ पार्टी पर था, पूरी रात मैं वहीं पर था, और आज सुबह जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि राशि मरी पड़ी है। आपको किसी पर शक है? पता नहीं सर, पर इसका भाई दिव्यांश, परसों इन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ था। दरअसल दिव्यांश एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम रिया है, और राशि को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इस बात को लेकर दोनों भाई बहनों में बहुत झगड़ा हुआ था। मुझे लगता है कि शायद दिव्यांश ने ही मेरी राशि को। शर्मा एक काम करो। यस सर। इस दिव्यांश का फोटो सारे पुलिस स्टेशन और अपने खबरी गैंग में सर्कुलेट करवा दो, और जैसे ही उसके बारे में कुछ पता चलता है उसे अरेस्ट करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। शिका खून हो गया? हाँ, और कल रात आप कहाँ थी? मैं ड्यूटी पे थी। एक्चुअली सर मैं डॉक्टर हूँ, सिटी हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है तो मैं पूरी रात वहीं पे थी। और दिव्यांश कहाँ है? सर मुझे दिव्यांश के बारे में नहीं पता, मैंने राशि से कई बार पूछने की कोशिश की पर उसने नहीं बताया, और ऊपर से उसने उसका फोन भी छीन लिया था। हाँ शर्मा बोलो, दिव्यांश मिल गया?
ठीक है, उसे थाने लेकर आओ। सर, दीदी मेरी सिर्फ बहन नहीं थी बल्कि माँ थी। उसने अपने बेटी की तरह मुझे पाला है और आप कह रहे कि मैंने उसका खून किया है। नहीं सर। तो छिप कर क्यों बैठा था गांव में? क्योंकि सर दीदी चाहती थी कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर चला जाऊं ताकि रिया मुझ तक पहुंच ना पाए कि हाँ मेरी दीदी मर गई और मुझे पता तक नहीं चला। जीजू, आपको दिव्यांश का कुछ पता चला? दिव्यांश पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस को शक है कि किसने राशि का खून किया है। दिव्यांश का खून? लेकिन वो तो गांव में था, मुझे दीदी ने खुद बताया था। Are you sure? आप सच बोल रहे हो? थैंक यू शिखा। दिव्यांश के साथ बहुत बड़ा गेम हो रहा है। गेम? कैसा गेम? मैं तुझे अभी कुछ नहीं बता सकती, पर बस तू अभी यहाँ से जा। और हाँ, दिव्यांश गांव में है, मैंने उसे भेजा है ताकि वो रिया उस तक पहुंच ना पाए। पर तू अब टेंशन मत ले, मैं सब ठीक कर दूंगी और दिव्यांश को भी बुला लूंगी। तू अभी यहाँ से जा, लेकिन प्लीज। मुझे पता होता कि दीदी का खून हो जाएगा तो मैं कभी नहीं जाती। चीजू, ये सब क्या हो गया? राशि, हिम्मत कैसे हो यहाँ आने की? हाँ कमीनी, तूने ही आग लगाई थी ना, अब क्या लेने आई है तू? हाँ छोड़ो, इन सब की वजह तू ही है, क्या लेने आई है? शिखा, हाँ छोड़ो उसका, ये क्या ड्रामा कर रही हो? चीजू, आपने मुझे डांटा कमीनी की वजह से। क्योंकि ये आशिक है इसका और इसी ने ही राशि का खून किया है। सर आप ये क्या कह रहे हैं? लेकिन राशि का खून तो दिव्यांश ने किया है। नहीं, पहले हमें भी ऐसा ही लगा कि दिव्यांश ने गुस्से में आकर राशि को चाकू मारा होगा, पर ये उस रात यहाँ था ही नहीं, ये अपने गांव में था। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब हमें पता चला कि राशि का खून चाकू लगने से नहीं बल्कि गला घोटने की वजह से हुआ है। और उसकी बॉडी पर जो घाव थे वो किसी चाकू के नहीं बल्कि एक सर्जिकल ब्लेड के थे जो डॉक्टर्स ऑपरेशन के दौरान यूज करते हैं। इसलिए हमारा शक रिया की ओर गया। और जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तब हमें पता चला कि तुम दोनों का तो अफेयर चल रहा है और वो भी कई सालों से। और फिर जब हमने तुम्हारे मोबाइल लोकेशंस निकाले तब हमें पता चला कि उस रात जिस टाइम राशि का खून हुआ था तुम दोनों यहीं पर थे। मतलब साफ है कि तुम दोनों ने मिलकर राशि का खून किया है और अब हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस है, इसलिए चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लो। इससे पहले कि मैं तेरी हड्डियां तोड़ूं, बता राशि को क्यों मारा? हाँ मैंने ही मारा है राशि को। रिया और मेरे बीच में 2 साल से अफेयर चल रहा है और जिस दिन रिया के पति को इसके बारे में पता चला तो उसने इसे तलाक दे दिया और फिर रिया और मैंने साथ मिलकर। योगेश देखो, तुम्हारे चक्कर में मेरा डिवोर्स हुआ है, मैं चाहती कि तुम राशि को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। ये तुम क्या कह रही हो रिया? मैं राशि को तलाक नहीं दे सकता, उसके माँ बाप की लाखों की दौलत है और अगर मैंने राशि को तलाक दिया तो मेरे हाथ से वो सारी दौलत चली जाएगी। यहाँ तुम्हारे चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और तुम्हें राशि और उसकी प्रॉपर्टी की पड़ी है। देखो योगेश, अगर मैं बर्बाद हुई ना तो मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी। लिसन, अगर तुम नहीं बता रहे हो ना राशि को सब कुछ तो मैं बता दूंगी और फिर वो तुम्हें खुद ही तलाक दे देगी। मेरे पास एक प्लान है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तुम दिव्यांश से शादी कर लो, हाँ, और उसके बाद तुम फिर मेरे घर में आ जाओगे और तुम्हारा और मेरा अफेयर चलता रहेगा और किसी को शक भी नहीं होगा।
सारी प्रॉब्लम सॉल्व। पर दिव्यांश की तो शादी फिक्स हो चुकी है ना, ये बात तुमने मुझे खुद बताई थी, फिर वो मुझसे क्यों शादी करेगा? रिया एक नंबर का भोंदू है वो भोंदू, दिन रात शिखा के सपने देखता रहता है और वो शिखा उसे हाथ भी नहीं लगाने देती। तुम अपने हुस्न की हड्डी उसके आगे डालो और वो पालतू कुत्ते की तरह ना तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहेगा और फिर तुम जो चाहोगी वो होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई और मैंने दिव्यांश को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। सब कुछ सही जा रहा था लेकिन राशि को सब कुछ पता चल गया। उसके बाद उसे दिव्यांश को भी कहीं छुपा दिया, सब बर्बाद कर दिया। राशि मेरी बात सुन, तुम्हारा वो प्लान भी फेल हो गया, ये इतनी आसानी से नहीं मानेगी। कुछ नहीं बताया उसने दिव्यांश के बारे में। पता नहीं उसने उसे कहाँ छुपाया है, मुझे भी कुछ नहीं बता रही है। एक बार वो मुझे बता देना तो मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ करा दूंगा और फिर राशि भी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर वो नहीं मिला तो हमारा ही प्लान फेल हो जाएगा। योगेश मैं आखिरी बार ट्राई करूंगी, डराऊंगी धमकाऊंगी, कुछ तो बताएगी ना वो। मैं अभी जाती हूँ। सुनो हाँ? मैं भी चलता हूँ। ठीक है मैं बैग लेकर आती हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए, योगेश भारी रुके रहे और मैं राशि के पास गई। राशि तुमने दिव्यांश को कहाँ छुपाया मुझे बता दो, और अगर नहीं बताया ना तो मैं अपनी यहाँ पे यहीं पे जान दे दूंगी। वाह अच्छी एक्टिंग कर लेती है रिया तू, पर अकेली आई फिर आशिक नहीं आया, योगेश उसको कहाँ छोड़ के आई? क्या हुआ, शॉक लगा कि मुझे कैसे पता चल गया तुम दोनों की आशिकी के बारे में? तेरे पति ने बताया कि तू और योगेश पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में हो। वैसे दिव्यांश के साथ शादी करने का फैसला या प्लानिंग किसकी थी, तेरी या योगेश की? चलो किसी की भी हो पर मैं तेरी प्लानिंग कामयाब नहीं होने दूंगी। अभी पुलिस को फोन करूंगा, तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी। रिया तुमने क्या किया, इसे तुमने इसे जान से मार दिया? इसे हमारे बारे में पता लग गया था, पुलिस को बताने जा रही थी, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया तो मैंने मार दिया। लेकिन ये तो अभी भी जिंदा है। इसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। और फिर हम दोनों यहाँ से चले गए, रिया अपने हॉस्पिटल चली गई और मैं अपने बॉस के पास उसकी पार्टी में। तूने मेरी बहन की जान ले ली, जब से तेरे छोड़ूंगा। छोड़ इसे, छोड़। ये मत भूल कि राशि की जान तेरी वजह से गई है। तू थोड़ा भी समझदार होता और रिया के चक्कर में नहीं पड़ता तो आज वो जिंदा होती। ले चलो इन दोनों को। Dimanche.